हेलो दोस्तों, आज हम आपको 2012 की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली टॉप 20 मूवियों के बारे में आपको बताएंगे। 2012 में कलेक्शन के हिसाब से नंबर 20 पर मूवी है जन्नत 2। इस मूवी के डायरेक्टर थे कुणाल देशमुख। इस मूवी के लीड कास्ट में इमरान हाशमी, ईशा गुप्ता और रणदीप हुड्डा शामिल थे। इस मूवी का बजट 20 करोड़ रहा। भारत में कमाई 42 करोड़ 50 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 63 करोड़ 86 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी सेमी हिट रही। 2012 में कलेक्शन के हिसाब से नंबर 19 पर मूवी है एजेंट विनोद। इस मूवी के डायरेक्टर थे श्रीराम राघवन। इस मूवी के लीड कास्ट में सैफ अली खान, करीना कपूर, आदिल हुसैन और प्रेम चोपड़ा शामिल थे। इस मूवी का बजट 60 करोड़ रहा। भारत में कमाई 43 करोड़ 29 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 74 करोड़ 57 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 2012 में कलेक्शन के हिसाब से नंबर 18 पर मूवी है क्या सुपर कूल है हम। इस मूवी के डायरेक्टर थे सचिन यादरी। इस मूवी के लीड कास्ट में तुषार कपूर, रितेश देशमुख, नेहा शर्मा और अनुपम खेर शामिल थे। इस मूवी का बजट 19 करोड़ रहा। भारत में कमाई 45 करोड़ 14 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 65 करोड़ 74 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 2012 में कलेक्शन के हिसाब से नंबर 17 पर मूवी है इसके ज्यादे। इस मूवी के डायरेक्टर थे फैजल हबीब। इस मूवी के लीड कास्ट में अर्जुन कपूर, परिणीति चोपड़ा और गौहर खान शामिल थे। इस मूवी का बजट 19 करोड़ रहा। भारत में कमाई 45 करोड़ 73 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 63 करोड़ 5 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 2012 में कलेक्शन के हिसाब से नंबर 16 पर मूवी है कहानी। इस मूवी के डायरेक्टर थे सुजय घोष। इस मूवी के लीड कास्ट में विद्या बालन और नसरुद्दीन शाह शामिल थे। इस मूवी का बजट 20 करोड़ रहा। भारत में कमाई 51 करोड़ 55 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 80 करोड़ 43 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 2012 में कलेक्शन के हिसाब से नंबर 15 पर मूवी है स्टूडेंट ऑफ द ईयर। इस मूवी के डायरेक्टर थे करण जौहर। इस मूवी के लीड कास्ट में सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन, आलिया भट्ट और ऋषि कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 59 करोड़ रहा। भारत में कमाई 70 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 96 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। 2012 में कलेक्शन के हिसाब से नंबर 14 पर मूवी है खिलाड़ी 786। इस मूवी के डायरेक्टर थे आशीष आर मोहन। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, हिमेश रेशमिया और अजित सेन शामिल थे। इस मूवी का बजट 63 करोड़ रहा। भारत में कमाई 70 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 106 करोड़ 77 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। 2012 में कलेक्शन के हिसाब से नंबर 13 पर मूवी है राज 3। इस मूवी के डायरेक्टर थे विक्रम भट्ट। इस मूवी के लीड कास्ट में इमरान हाशमी, बिपाशा बासु, ईशा गुप्ता शामिल थे। इस मूवी का बजट 31 करोड़ रहा। भारत में कमाई 70 करोड़ 7 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 101 करोड़ 10 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। 2012 में कलेक्शन के हिसाब से नंबर 12 पर मूवी है कॉकटेल। इस मूवी के डायरेक्टर थे होमी अज्जानिया। इस मूवी के लीड कास्ट में सैफ अली खान, दिशा पटानी और दीपिका पादुकोण शामिल थे। इस मूवी का बजट 53 करोड़ रहा। भारत में कमाई 71 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 122 करोड़ 99 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 2012 में कलेक्शन के हिसाब से नंबर 11 पर मूवी है ओ माई गॉड। इस मूवी के डायरेक्टर थे उमेश शुक्ला। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, परेश रावल और मिथुन चक्रवर्ती शामिल थे। इस मूवी का बजट 25 करोड़ रहा। भारत में कमाई 81 करोड़ 40 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 121 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। 2012 में कलेक्शन के हिसाब से नंबर 10 पर मूवी है तलाश। इस मूवी की डायरेक्टर थी रीमा कांगती। इस मूवी के लीड कास्ट में आमिर खान, रानी मुखर्जी, करीना कपूर और राजकुमार राव शामिल थे। इस मूवी का बजट 71 करोड़ रहा। भारत में कमाई 93 करोड़ 40 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 180 करोड़ 83 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी सेमी हिट रही। 2012 में कलेक्शन के हिसाब से नंबर 9 पर मूवी है बोल बच्चन। इस मूवी के डायरेक्टर थे रोहित सेठी। इस मूवी के लीड कास्ट में अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, अजित सेन और प्राची देसाई शामिल थे। इस मूवी का बजट 66 करोड़ रहा। भारत में कमाई 102 करोड़ 94 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 165 करोड़ 68 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 2012 में कलेक्शन के हिसाब से नंबर 8 पर मूवी है सन ऑफ सरदार। इस मूवी के डायरेक्टर थे अश्वनी धीर। इस मूवी के लीड कास्ट में अजय देवगन, संजय दत्त, रूही चावला और सोनाक्षी सिन्हा शामिल थे। इस मूवी का बजट 67 करोड़ रहा। भारत में कमाई 105 करोड़ 3 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 141 करोड़ 68 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही।
यार बारे में कलेक्शन के हिसाब से नंबर 7 पर मूवी है हाउसफुल 2। इस मूवी के डायरेक्टर थे साजिद खान। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, रितेश देशमुख, मिथुन चक्रवर्ती और ऋषि कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 72 करोड़ रहा। भारत में कमाई 106 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 179 करोड़ 15 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 2012 में कलेक्शन के हिसाब से नंबर 6 पर मूवी है बर्फी। इस मूवी के डायरेक्टर थे अनुराग बासु। इस मूवी के लीड कास्ट में रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा शामिल थे। इस मूवी का बजट 50 करोड़ रहा। भारत में कमाई 112 करोड़ 15 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 188 करोड़ 36 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। 2012 में कलेक्शन के हिसाब से नंबर 5 पर मूवी है अग्निपथ। इस मूवी के डायरेक्टर थे करण मल्होत्रा। इस मूवी के लीड कास्ट में ऋतिक रोशन, संजय दत्त, ऋषि कपूर और प्रियंका चोपड़ा शामिल थे। इस मूवी का बजट 71 करोड़ रहा। भारत में कमाई 115 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 190 करोड़ 26 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। 2012 में कलेक्शन के हिसाब से नंबर 4 पर मूवी है जब तक है जान। इस मूवी के डायरेक्टर थे यश चोपड़ा। इस मूवी के लीड कास्ट में शाहरुख खान, कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा शामिल थे। इस मूवी का बजट 78 करोड़ रहा। भारत में कमाई 120 करोड़ 85 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 235 करोड़ 66 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 2012 में कलेक्शन के हिसाब से नंबर 3 पर मूवी है रावड़ी राठौर। इस मूवी के डायरेक्टर थे प्रभु देवा। इस मूवी के लीड कास्ट में अजय देवगन, सोनाक्षी सिन्हा और यशपाल शामिल थे। इस मूवी का बजट 77 करोड़ रहा। भारत में कमाई 133 करोड़ 25 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 203 करोड़ 39 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। 2012 में कलेक्शन के हिसाब से नंबर 2 पर मूवी है दबंग 2। इस मूवी के डायरेक्टर थे अरबाज खान। इस मूवी के लीड कास्ट में सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज खान और विनोद खन्ना शामिल थे। इस मूवी का बजट 84 करोड़ रहा। भारत में कमाई 155 करोड़ हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 253 करोड़ 54 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। 2012 में कलेक्शन के हिसाब से नंबर 1 पर मूवी है एक द टाइगर। इस मूवी के डायरेक्टर थे कबीर खान। इस मूवी के लीड कास्ट में सलमान खान, कैटरीना कैफ और रणवीर शौरी शामिल थे। इस मूवी का बजट 92 करोड़ रहा। भारत में कमाई 198 करोड़ 78 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 334 करोड़ 39 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही और यही 2012 की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी रही। दोस्तों आज हमने आपको 2012 की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली टॉप 20 मूवियों के बारे में आपको बताया है। दोस्तों आपको इन मूवियों में से कौन सी मूवी पसंद है कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल ऑल मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्लीज दोस्तों थैंक यू।